कि जितनी फोर्स आई हुई है यहाँ पर गोली चलाओ उन पर, ये हमारी लड़कियों की बेइज्जती कर रही, जबकि हमने लड़कियों से कोई कुछ नहीं कहा था। हमारा जो है, हम वीडियो बनाने की कोशिश भी कर रहे थे, हमको वीडियो बनाने नहीं दिया और हमारे मोबाइल को छीन करके मार दिया था जमीन में। हमारे मोबाइल भी फूट चुके हैं, हमारे चोटें भी आई हुई हैं और जहां पर हम खेत में भागे थे वहां पर हमारा पीछा भी किया है। नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। यूपी के एटा में विकास दुबे के बिकरू गांव जैसा कांड होते होते बच गया। देर रात पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने मिलकर हमला बोल दिया। पुलिस को खेतों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यही नहीं, पुलिस की जीप में आग लगाने की कोशिश भी हुई। वहीं पुलिस कर्मियों पर तमंचे से फायरिंग भी की। पुलिस के साथ मारपीट में ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस की हिरासत से छुड़ा कर मौके से फरार करा दिया। जैसे तैसे पुलिस अपनी जान बचा कर थाने पर वापस आ सकी। आप बीती में पुलिसकर्मी राहुल कुमार ने बताया, हम लोगों को बताया गया कि नगला जुहारी में एक पॉक्सो का आरोपी पकड़ा गया है। हम सब मुजरिम पकड़ने गए, गांव पहुंचकर आरोपी को पकड़ भी लिया। हमने जैसे ही आरोपी पकड़ा वैसे ही वह चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले आ गए और उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, ईंट पत्थर फेंके और आरोपी को छुड़ा ले गए। पुलिसकर्मी मनोज कुमार ने बताया, आरोपी को पकड़ने के दौरान गांव में लोग प्रयास कर रहे थे कि पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी जाए, लेकिन हमने अपनी गाड़ी को बचाने के लिए काफी प्रयास किया। हमारे हाथों में डंडे मारे गए, हम वहां से भाग छूटे। गांव वालों ने हमारा पीछा भी किया। इनमें एक कौशलेंद्र नाम का शख्स भी शामिल था जो कि समाजवादी पार्टी से विधायकी लड़ने की तैयारी कर रहा है। उसने गांव वालों से बोला था कि जितनी पुलिस फोर्स आई उस पर गोली चलाओ। घटना की सच्चाई जानने के बाद जब आरोपी के परिजनों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि स्थानीय थाने की पुलिस पॉक्सो एक्ट के आरोपी छोटे लाल को पकड़ने रात में आधम की थी। जब आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा तो उसने हमारे घरों में तांडव मचाना शुरू कर दिया और सामान तोड़फोड़ करने लगा और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की, साथ ही घर की लड़कियों को पकड़कर ले गए। पुलिस हमारा उत्पीड़न इसलिए कर रही है क्योंकि हमारा बेटा सपा का नेता है। पुलिस हमारे ऊपर झूठा आरोप बना रही है। ग्रामीणों ने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक लड़की को पकड़ कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।